बुंदेलखंड में जघन्य अपराधों का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। आंकड़ों में भी यहाँ हीनियस क्राइम सबसे ज्यादा होते हैं। अधिकतर मामले तो रिश्तों को तार तार करने वाले होते हैं। ताजा मामला छतरपुर जिले के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के ग्राम मोराहा का है, जहाँ कलयुगी नाती ने अपने ही दादा की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी है। गंगाराम अहिरवार ने बताया कि दादाजी ने जब अनिल से कहा कि तुम आवारा और फालतू घूमते हो, कुछ काम नहीं करते, मेरी मेहनत की कमाई को बेफिजूल उड़ाते हो, अगर ऐसा रहा तो मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगा। इस बात को लेकर अनिल की दादा कटुआ अहिरवार से कहा सुनी हो गई। फिर क्या था, अनिल ने तैश में आकर कुल्हाड़ी उठाकर 70 वर्षीय दादा पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार कर मौत के घाट उतार दिए। जी सर, घटना हुई है सर, क्या है पूरा मामला? ये अपना ग्राम मोराहा में कटुआ अहिरवार ने अपने नाती को डांटा होगा कि तू काम नहीं करता, काम करने लग कहाँ तक बगे की ये खाएगा। इसी बात पर से गुस्सा होगा, उसने कुल्हाड़ी उसके सिर में मारी थी और वो मर गया। क्या कार्रवाई की गई उसमें? अपराध काम होकर विवेचना हो रही है, सौ का PM कराया जा रहा है। अपराधी गिरफ्तार कर ली? अपराधी मिल चुका है, उसको गिरफ्तारी होना है, पूछताछ कर रहे हैं। कहाँ से हैं? गंगाराम मोराहा, डिवीजनपुरा। क्या हो गया, क्या मामला है? जी ऐसा हो गया सर जी का, मतलब इन लोगों ने, पापा ने बोला होगा तू काम कुछ धंधा कर ले, ऐसे घूमने फिरने में क्या फ़ायदा है, तो बस उसके बाद में उन्होंने डांटा पीटा उनको। सो वो चाप नाच बना रहे थे तो उन्होंने बस उसको कुल्हाड़ी दिखा पर उसने कुल्हाड़ी मार दी पहले एक सिर में, फिर उसके बाद सिर के बाद फिर उसने जब गिर गया फिर दो तीन और उसने मार दी, तो तीन कुल्हाड़ी में बस खत्म, स्पॉट पे खत्म हो गया। कहाँ पर कुल्हाड़ी मारी थी? सर पे मारी, यहाँ एक यहाँ पे, एक कान पे गाली है और दो यहाँ पे गाली अगल पीछे, वहीं पर खत्म हो गया। हाँ, वहीं पर स्पॉट पर खत्म हो गया। क्या नाम था जिसको कुल्हाड़ी मारी? अनिल। जिसने कुल्हाड़ी मारी? हाँ अनिल। और किसको मारी थी कुल्हाड़ी? कटुआ को, पिताजी को। पिताजी, क्या नाम है उनका? उनका कटुआ है। कौन सा थाना लगता है? पुलिस गई थी वहाँ पे? हाँ पुलिस गई, मौके पे पुलिस गई है। पुलिस ठीक है, अब होगा।